अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आज ये हमने बनाना है जी, शार्प हैंगर जो है, ठीक है। इसके साइज हैं, सबसे पहले ये वाई एक्सिस हमारे पास 9 है, एक्स एक्सिस 6 है, और बाकी डिटेल जो है हम जब बनाएंगे ड्राइंग तो उसमें क्लियर हो जाएगी। जो तो बोलते हैं, सबसे पहले जो है ना, जैसे ही प्रयोग हमने ओपन किया है तो इसमें न्यू पे क्लिक करना है, पार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है शार्प एंकर, शार्प होल्डर, शार्प होल्डर लिख के हमने इसको अनचेक करना है। यूनिट देने हैं हमने मिलीमीटर, यहाँ पे इसको करना है मिलीमीटर न्यूटन सेकंड, और ओके कर। इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है टॉप व्यू, टॉप सेलेक्ट करके यहाँ पे स्केच पे क्लिक करना है, स्केच व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से रेक्टेंगल एक लेनी है, सेंटर रेक्टेंगल, यहाँ पे सेंटर में एक रेक्टेंगल बनानी है विदाउट डायमेंशन। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर डायमेंशन जो है ना शो हो गई है। माउस को हमने अपनी तरफ घुमाएंगे तो हमें जूम इन हो गए। यहाँ पे क्लिक करना है, इसका साइज हमें दिया हुआ है ड्राइंग में 6 दिया हुआ है इसका साइज, इसको मैंने 6 करना है। ये वर्टिकल जो है ये साइज दिया हुआ है 9, 9 लिख के एंटर करना है, और इसको फिट टू स्क्रीन पे क्लिक करना है। ये डायमेंशन डेल करेंगे और ये वाली डेल करेंगे, फिर दोबारा फिट टू स्क्रीन करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गया है। इसके ऊपर जो है ना, हमने दो पॉकेट्स बनानी है जिनका साइज जो है 2-2 मिलीमीटर राइट एंड लेफ्ट। हमने क्या किया, यहाँ से ऑफसेट की कमांड लेनी है, ऑफसेट यहाँ से इसको मैंने -2 दे देना साइज, इसको ओके कर देना है। इसके बाद इस साइड पे भी -2 देना है और ओके कर देना है। इसके बाद ऊपर से नीचे साइज है 1 मिलीमीटर, फिर ऑफसेट की कमांड दोबारा दी, इसको सिलेक्ट किया मैंने जो है, दोबारा ऑफसेट की कमांड दी, इसको सिलेक्ट किया, एरो ऊपर की तरफ है, -1 दिया साइड, ये नीचे को एक साइड आ गई। दोबारा ऑफसेट ली कमांड, इसको भी मैंने -2 दे दिया साइड, और ओके करने पे ये हमारे पास इस तरह की एक शक्ल आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हमने जो है डिलीट सेगमेंट से डेल कर देनी है, इन दोनों को मैंने डेल कर दिया, ये भी डेल कर देना है, इधर से ये वाला हिस्सा भी डेल है, ये वाला भी डेल है। यहाँ पे ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये हमें थोड़ा तंग कर रहे हैं, इसको हम अनचेक करते हैं। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने इसको अनचेक किया तो ये थोड़ी सी ड्राइंग जो है वो क्लियर हो गई है। इसको मैंने खत्म किया, ये वाली दोनों लाइन हमने ये भी डल कर दिया। अब जो है हमने क्या करना है, एक सर्कल दोबारा बनाना है, यहाँ पे सर्कल हमने इसी को ऑफसेट करना, ऑफसेट की कमांड दी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, साइज मैंने दिया है 1 मिलीमीटर, 1 लिख के ओके किया। यहाँ पे सर्कल एक बना देना है, सेंटर टू एंड, डिलीट सेगमेंट की कमांड लेनी है, यहाँ से एडिटिंग टूल बार में इसको यहाँ स्टेल करना है, ये डेल करना है, ये डेल, ये डेल, ये वाला भी हिस्सा डेल, ये वाला भी डेल, और ये वाला हिस्सा भी डेल कर देना है, यहाँ पे ये वाला भी हिस्सा डेल कर देना है। ये हमारे पास एक पॉकेट बन गई है जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट 2 है, और इसकी जो लेंथ है इस क्वाड्रेंट से ये वाले एज तक ये भी 2 है। ये वाले जो थी हमारे पास डायग्राम,
ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैंने डायल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिरर कर देते हैं। मिरर की कमांड ही, ये मिरर की कमांड थी हमारे पास। मिरर से पहले हमने इसका सेंटर लेना है, यहाँ से हमने ये इसका सेंटर लिया। और इसके बाद मैंने मिरर की कमांड, इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया। ये जो सेंटर था वहां पे मैंने क्लिक करना है, मिरर की कमांड ली, इसको ओके, दोबारा ओके करके दोबारा मैंने एडिट किया, मिरर की कमांड ली। मिरर की कमांड लेने से पहले हमें जो है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एक्टिव होगी कमांड। इसके बाद मैंने सेंटर लाइन ली, उसने इसको मिरर कर दिया। मैंने एस्केप का बटन प्रेस किया, दोबारा सेंटर लाइन ली। यहाँ पे मुझे जो है एक सेंटर लाइन चाहिए, दोबारा मैंने मिरर की कमांड ली, ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, दोनों को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और ये मिरर लाइन मैंने की है। अगर इस तरह ना हो तो इसको दोबारा ओके करके एडिट कर लें, फिर जो है ना मिरर की कमांड एक्टिव हो जाएगी। ये हमने सेंटर लाइन ले ली। इसके बाद मिरर, इन दोनों को मैंने मिरर कर देना है जी, इस एक्सिस के। ये मैंने क्लिक किया तो मिरर हो गई है। इसको मैंने एस्केप का बटन प्रेस करके, ये हमारे पास जो रेड पॉइंट्स हैं ये हमें शो कर रहे हैं, ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको मैंने खत्म किया डिलीट सेगमेंट की कमांड से। और जैसे ही ओके किया तो इसका शेड जो है ना एडिट हुआ था, उससे मुराद है कि हमारे ये वाले डायग्राम कंप्लीट हो गई है सर। इसको मैंने ओके करने के बाद एक्सट्रूड की कमांड दी, कंट्रोल डी प्रेस करने से ये इस तरह हमारे पास शो हो गया है। ड्राइंग में इसकी थिकनेस हमारे पास दी हुई है 1 मिलीमीटर, इसको मैंने जो है ना 1 मिलीमीटर लेना है। इसका साइज मैंने 1 देना है, 1 लिख के एंटर किया। के एंटर कर दिया, इसके बाद ओके किया। अब ड्राइंग में हमारे पास जो है एक सेंटर रेक्टेंगल भी दी गई है, जो कि जिसका साइज 3 और कॉर्नर रेडियस है उसका 3 और सेंटर में सर्कल है 2 हमारे पास। उसे पहले हमने जो है एक सेंटर रेक्टेंगल ले, दूसरी साइड पे इसके सेंटर में जिसका साइज है 4 और 1 है। यहाँ पे मैं वापस इसी में जाता हूँ जी, क्रियो में इसको मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ। ये वाला जो स्केच है यहाँ पे मैंने काम करना है, इसको स्केच व्यू किया, सेंटर रेक्टेंगल की ऑप्शन ली और मैंने इस तरह एक रेक्टेंगल बनाई। इसका साइज मैंने रखा है जी 3 और वर्टिकल साइज रखा है जी 1 और इसको मैंने कर दिया है ओके। इसके बाद हमने कंट्रोल डी किया, एक्सट्रूड की कमांड दी, एक्सट्रूड में ये साइज हमारे पास 4 है, इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे कॉर्नर रेडियस जो है वो दिया गया है 0.5 का, कॉर्नर रेडियस यहाँ पे कॉर्नर रेडियस की कमांड दी, ये वाले एज पे क्लिक किया, इसको मैंने 0.5 पे दिया है। इसकी साइड मैंने रोटेट की है, यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी 0.5 ही दे दिया, ओके कर दिया। कंट्रोल डी करने पर डिफॉल्ट सेटिंग आ गई। फिर दोबारा स्केच पे, ये वाले फेस पे मैंने क्लिक किया, स्केच किया, यहाँ पे इसको स्केच व्यू कर दिया। दोबारा रेक्टेंगल की कमांड ली, यहाँ से मैंने यहाँ तक जो है रेक्टेंगल ले ली। इस रेक्टेंगल का जो साइज है वो है जी 3 मिलीमीटर, यहाँ पे
यहाँ पे इसके कॉर्नर दोनों जो है ना राउंड हैं, उससे पहले इसको ओके कर देते हैं। कंट्रोल डी, इसकी हाइट हमारे पास है 1 मिलीमीटर। यहाँ पे मैंने 1 दिया है इसका साइज, और इसको मैंने कर दिया है ओके। इसके बाद इसके दोनों कॉर्नर जो है ना राउंड है, उसके लिए राउंड की ऑप्शन दी, ये वाले एक्स पे क्लिक किया, ये वाला साइज मैंने दिया है 1.5, और दूसरी साइड पे ये वाले एज पे साइज दे दिया फिर 1.5, ये वाले एज पे भी वही वाला साइज, और ये वाले एज पे भी वही वाला साइज। इसको ओके कंट्रोल डी करने पे डिफॉल्ट सेटिंग आ गई है। स्केच पे जाना है, इसके फेस पे क्लिक करना है, स्केच व्यू सर्कल। यहाँ पे हमने जो है कंट्रोल डी करके मैंने जो है सर्कल लगाना है, इस एज के पास लेंगे, ये सेंटर खुद ही दे देगा। सर्कल का साइज जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे 1.5, 1.5 लिख के मैंने एंटर किया। दोबारा एक और सर्कल लिया, इस एज के पास पे सेंटर खुद ही दे दिया, ये इसके साथ इक्वल हो गया, कंस्ट्रेंट के ऑप्शन एक्टिव हो गए। इसको ओके किया है। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में हमारे पास हाइट आनी है इसकी 1 मिलीमीटर, और इसको हमने डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है, या तो यहाँ से कर लें, या ये वाला जो एरो नजर आ रहा है वहां से कर लें इसकी डायरेक्शन चेंज, और रिमूव मटेरियल पे करना है। जैसे मैंने किया तो ये यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। इसको मैंने ओके किया है, कंट्रोल डी की कमांड डी। अब ये जो हमारे पास रेफरेंसेस है, इसको ये जो ग्राफिक टूल बार है डेटम, वहां से हम इसको कर देते हैं ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने से पहले हम यहाँ पे नाम लिखते हैं टेक्स्ट की कमांड से। हमने क्या किया कि यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया, ये वाला जो टॉप था वहां पे मैंने स्केच किया, और इसको मैंने टेक्स्ट की कमांड हमने जो है ना इतनी हाइट मैंने दी, यहाँ पर मैंने नाम लिखा है एस ए आई डी, और इसको मैंने जैसे लिखा तो ये इस तरह सेट हो गया है। इसको मैंने ओके किया, जैसे एस्केप किया तो इसने डायमेंशन हमें दे दी, यहाँ से कितनी है, ये कितना डिस्टेंस है, इसको 0.1 कर देते। इसी डिस्टेंस को हमने जूम करते हैं, फिर हमें जो है टेक्स्ट नजर आएगा। ये जो 0.1 है इसको मैंने कर दिया कि ज्यादा वैल्यू करने की 0.6 कर दिया, ये वाली वैल्यू और हम लेते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। इसको 2 करके देखें, 2 थोड़ी सी ज्यादा है, इसी को मैंने 1.7 कर दिया ताकि इसके सेंटर में, ये तकरीबन सेंटर में आ गया है। इसको हमने कर दिया है ओके। ओके करने के बाद मैंने कंट्रोल डी ही किया है, तो ये यहाँ पे नाम लिखा नजर आ रहा है। इसके बाद एक्सट्रूड की कमांड दी, इसको थिकनेस मैंने दी है 0.2, तो ये मेरे पास जो है ना इसका नाम है जो है ना एम्बॉस हो गया है। ये एरो की डायरेक्शन मैंने रिवर्स की है, तो ये नाम यहाँ पे एनग्रेव हो गया है। इसको क्लिक करके अगर मैं इसको घुमा कर देखता हूँ, यहाँ पे देखें जो मैंने नाम था वो यहाँ पे लिखने हैं, टॉप पे लिखने हैं, यहाँ फ्रंट पे लिखने हैं, जिस तरह मर्जी जो है ना इसमें टेक्स्ट लिखा जा सकता है। कंट्रोल डी करने पे ये इस तरह नजर आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है ना अनचेक कर दें तो ये हमारे पास जो है शाफ्ट जो है ना होल्डर जो है, शाफ्ट ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ये जो है ना हमारे पास तैयार हो गए। यहाँ पे जो स्पिन सेंटर है उसको हमने ऑफ कर दिया। यहाँ पे इसके बाद इसकी डायमेंशन इनोटेट करनी है, जो उसके लिए
टॉप व्यू में जाना है, टॉप से डायमेंशंस, जैसे ही डायमेंशन पे क्लिक किया है तो ये हमें डायमेंशन दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं माउस का सेंटर बटन प्रेस किया वहाँ पे डायमेंशन दे दी, ये वाला चेक किया है यहाँ पे इसने डायमेंशन दे दी, ये वाले एज पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पे डायमेंशन आ गई, ये वाले एज की डायमेंशन दोबारा रिपीट किया इसी को, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई। ये जो कॉर्नर रेडियस था इसको हमने चेक करना, तो ये यहाँ पे भी हम शो कर सकते हैं, ये नजर आ रहा होगा 0.5। इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक फासला लेना है, उसके लिए इसको सिलेक्ट किया, इसको नहीं जरूरत अभी जो है, ये इसका डिस्टेंस लेते हैं हम इस एज से इस एज तक, टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मेजर करके हम जो ना शो करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा डायमेंशन पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट किया और इधर से मैंने जो है जूम करके कंट्रोल का बटन प्रेस किया, यहाँ पे किया, ये मैंने जो है इसकी टोटल डायमेंशन ली है, तो ये हमें जो है ना ये डायमेंशन यहाँ पे शो कर रही है। इसी तरह सारी जो हमने डायमेंशन करनी है इसकी, कंट्रोल डी करना है फाइल को, दोबारा आपने जो है ना फाइल में जाके सेव कर लेना है, सेव इसी नाम से ये हुई है शार्प होल्डर के नाम से ही सेव किया फाइल, और इसको मैंने ओके कर दिया।